Assalamualaikum dear student, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री सैंपल पेपर 3 ठीक है दैट इज बीइंग अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन कौन सा है और इसकी रीज़न क्या है, उसके साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट 25 एमसीक्यू है वो हम पार्ट 1 के अंदर कर चुके हैं, अब हम बाकी की जो एमसीक्यू है ना उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट एमसीक्यू इज द शील्डिंग इफेक्ट डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। देखिए टॉप टू बॉटम हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो इंक्रीज होती है, क्योंकि आपके पास होता क्या है कि जो नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो रहे होते हैं। लेकिन वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शेल नंबर जो है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि रिमेन्स कॉन्स्टेंट या रिमेन्स सेम। व्हेन टू एटम बॉन्डेड टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड द अट्रैक्टिव फोर्सेज विल बी डैश रिपल्सिव फोर्सेज। अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो डोमिनेंट होनी चाहिए और जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कम से कम होनी चाहिए। सो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। आयोनिक रेडियस इज ऑलवेज डैश देन द एटॉमिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस हमारे पास क्या होता है, दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल सोडियम है ना, सोडियम में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है, लेकिन अगर ये आपके पास आयन इसे बनेगा तो सोडियम आयन की फॉर्मेशन करेगा प्लस 1, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर देना। अब इसका जो एटॉमिक साइज होगा ना वो इसके ओरिजिनल एटम से क्या होगा, कम होगा। व्हाट इज नाइट्रॉन, नाइट्रॉन आपके पास होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपके पास 10 है, ये स्प्रिंट है, आप इसको 10 कर दें, Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, सर 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, दोज आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली, अल्कली मेटल हमारे पास होते हैं ग्रुप 1A के मेंबर। ठीक है, और इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज पॉजिटिव 1, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। प्योर मेटल की अगर हम करोजन की बात करते हैं तो उसकी जो करोजन होती है ना वो दैट डज नॉट अकर ईजीली। ठीक है, प्योर मेटल को जंग जो है वो जल्दी से नहीं लगता क्योंकि उसके पास जो ऑलरेडी बाइंडिंग एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होती है। विच ऑफ द मैथड्स टू प्रिवेंट करोजन, कौन से मैथड हैं जिनको हम करोजन जो है उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अलाइंग विद मेटल, ये भी ठीक है। कोटिंग विद सर्फेस विद लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। पेंटिंग विद सर्फेस विद अ डाई, ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। डी ब्लॉक एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द डैश टेबल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, जब आप डी ब्लॉक की बात करते हैं तो आपके पास पहले होता है एस ब्लॉक, फिर होता है पी ब्लॉक, दरमियान में आपके पास क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, नीचे आपके पास होते हैं जो आपके पास लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती है उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, अब इसमें जो फ्रेडरिक वोलर था ना इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती क्या थी कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो वोलर ने क्या किया था, यूरिया सिंथेसाइज किया था एमोनियम साइनेट से। और याद रखें कि फ्रेडरिक वोलर जो था इसने 1823 में वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक आपके पास है थायोफीन, अगर हम थायोफीन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपके पास होगा दिस इज 5 मेंबर रिंग और इसके अंदर होता क्या है, सल्फर एटम जो है वो कार्बन की जगह पे प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं एंथ्रेसीन की, पहले हम फ्यूरान जो है इसको देख लेते हैं। फ्यूरान आपके पास क्या होता है कि 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या होता है ऑक्सीजन एटम जो है वो सब्सटीट्यूट होता है इन प्लेस ऑफ कार्बन। अगर हम पायरोल की बात करते हैं तो पायरोल में आपके पास क्या होता है, दिस इज 5 मेंबर रिंग और इसके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन एटम जो है वो अटैच्ड होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ में क्या होता है हाइड्रोजन भी लगा होता है। लेकिन अगर हम एंथ्रेसीन की बात करते हैं तो एंथ्रेसीन का जो स्ट्रक्चर है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 3 जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, दे आर फ्यूज टुगेदर इन एंथ्रेसीन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एंथ्रेसीन। ये आपके पास डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये आपके पास ट्रिपल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, ये डबल, दिस इज द एंथ्रेसीन। सो यही जो आपके पास
राइट ऑप्शन है। एंथ्रेसीन जो है ना ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, यही इसका राइट ऑप्शन है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, हेट्रो मींस डिफरेंट, ये कार्बन के अलावा अदर देन कार्बन कोई एटम अगर अटैच्ड है या रिप्लेस हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, अगर साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ तो दैट इज जस्ट लाइक अ बेंजीन, ठीक है, या आपके पास क्या बनेगा, हेक्सागोन बनेगा। सो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूट है एसिटिलीन पॉलीमराइजेस टू मेक, एसिटिलीन की जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। जैसे आप लोग यहाँ पे मैंने आपके लिखा होगा ये, ठीक है, ये आपके पास एसिटिलीन है, इसकी आप पॉलीमराइजेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन, ठीक है, 873 केल्विन इसको टेम्परेचर देते हैं, आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास है पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड इन अल्कीन्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब अल्कीन्स के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो, उसका ओजोनोलाइसिस करते हो, ओजोन के साथ इसका रिएक्शन करते हो, आपके पास सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में मौजूद है। इसके अलावा जो इसमें लिखा हुआ है वो बायर टेस्ट के बारे में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप क्लास टेंथ में भी पढ़ चुके हो, अभी जो फेडरल बोर्ड का पेपर हुआ उसके एमसीक्यू के अंदर भी मौजूद है बायर टेस्ट। तो बायर टेस्ट जो है ना, इट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट दैट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है, अनसेचुरेशन अगर आपके पास कहीं मौजूद है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बायो टेस्ट है वो किया जाता है। सेकेंड इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर क्या होता है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द अल्केन एंड अल्कीन फंक्शन ग्रुप, ठीक है। अब अल्केन जो है इट डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, लेकिन अगर हम अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है ना, तो डबल बॉन्ड क्या करता है, जो ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर है उसको डीकलराइज करके कलरलेस सॉल्यूशन बना देता है। परसेंटेज में आपके पास होता है क्या है कि इफ यू हैव अल्काइल हैलाइड एंड इफ यू ट्रीट इट विद टू मोल्स ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, आपके पास होगा क्या, आपके पास आयन बनेंगे सोडियम विल अटैच विद अल्काइल ग्रुप, इसी साइड पे सोडियम जो है ना दूसरा सोडियम एटम इट विल टेक अवे द हैलोजन एटम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपके पास पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है नॉट पॉजिटिव, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये आपके पास होगा सोडियम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव नहीं होता, सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके साथ आपने क्या करना है, एक दूसरा जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है उसको आप ट्रीट करोगे, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, सोडियम जो है ये हैलोजन को रिमूव कर देगा और आर जो है वापस मिल जाएंगे, अल्केन्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, दूसरा सोडियम हैलाइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। सो वर्ड सिंथेसिस एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड से आप फॉर्मेशन करते हो अल्केन्स की। नेक्स्ट अल्कीन, अल्कीन जो है इसके ऊपर पाई बॉन्ड है, अल्कीन में पाई बॉन्ड होते हैं, सो दैट इज वाई दे वुड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, दैट इज न्यूक्लियस लविंग, टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, आपके पास है टू क्लोरो, तो ये आपके पास प्रोपेन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, इधर आपके पास क्या है सी एच थ्री है। अब अगर आप देखो ये आपके पास क्या होता है, दीज ऑल आर हाइड्रोजन एटम्स। अब दरम्यान वाला कार्बन जो है, ठीक है, इसको अगर आप देखो ये मजीद एक दो तीन कार्बन के साथ अटैच्ड है, जिसका मतलब है दिस इज टर्शियरी कार्बन, ठीक है, ये आपके पास जो कार्बन है दिस इज टर्शियरी कार्बन, और इसको आप क्या कहोगे, दिस इज दैट इज वाई इट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। What is the correct order of reactivity of alkyl halide? Alkyl halide में जो आपके पास reactivity order है, पहले alkyl iodide ज़्यादा reactive है, फिर alkyl bromide है, फिर chloride है, फिर सबसे end पे सबसे slow reaction है वो किन का है, alkyl chloride का। The classification of monohydro alcohol is due to hydroxyl group. आपके पास different types के alcohol हैं, एक आपके पास होता है monohydric, एक आपके पास होता है dihydric, trihydric,
अब उनको मोनोहाइड्रेट डाइहाइड्रेट क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपके पास ये है, ठीक है, दिस इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, इसके अंदर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तो दिस इज द डाई, दिस इज द डाइहाइड्रिक अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हायर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड टू ब्यूटानोल। ब्यूटानोल आपके पास क्या है, ब्यूटानोल का स्ट्रक्चर हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, एक दो तीन चार। ब्यूटानोल में फोर कार्बन होते हैं, एंड पे अपनी क्या लगा लेना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेना। आप ये देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की वजह से इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका मतलब है इसका जो भाई बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होगा। ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी फोर होती है, बाकी आप यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दें तो इस वजह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, द अल्कीन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। अगर आपने क्या करना है, अल्कोहल्स से अल्कीन्स को बनाना है, तो आपके पास पाइरिडीन जो है उसको आप यूज़ करते हो। ये मैं आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपके पास क्या है, दीज आर अल्कोहल्स, इसको आप फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की प्रेजेंस में और पाइरिडीन की प्रेजेंस में जब ट्रीट कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। तो यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि अल्कीन्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम अल्कोहल बाय द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपके पास क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये जो कार्बन है इसके साथ अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसके ऊपर ऑलरेडी दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो उस वजह से ये जो कार्बन इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अगर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अगर नेगेटिव होता तो हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम ऑफ इस एसीटोन। एसीटोन में आपके पास क्या होता है, वन टू थ्री, ठीक है, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पे आपके पास तीन हाइड्रोजन इधर लगा लें, तीन हाइड्रोजन इधर लगा लें। अब ये क्या बन गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसीटोन। एसीटोन में अगर आप देखो तीन कार्बन है, सो इसका जो राइट ऑप्शन है ना, आपके पास सेकेंड कार्बन के ऊपर कार्बोनाइल लगा हुआ है, सो इसको आप क्या कहोगे, दिस इज नोन एज टू प्रोपोनोन। क्या कहोगे, टू प्रोपोनोन। वजह क्या है, सेकेंड कार्बन के ऊपर जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसको हम कहते हैं टू प्रोपोनोन। ये इसका आयोपिक नेम है एसीटोन का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड जब भी होगा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जनरल फार्मूला फॉर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपके पास जब आर हो, ठीक है, अगर ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अटैच है तो इसको क्या कहोगे, दोज आर नोन एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ए आर जो है ना, दिस इज फॉर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक का मतलब है जब इसके साथ बेंजीन रिंग अटैच होता है। ये जो पी एच है ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप वही है जब आप बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे। सो राइट ऑप्शन जो है ये आपके पास ये वाला फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। द नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड एज। अब आपने करना क्या होता है कि जब आपके पास अल्केन्स है वो क्या होता है, उसका ए एल के ए एन ई कार्बोक्सिलिक एसिड में आप क्या करते हो, जो एंड का ई है ना उसको ड्रॉप कर देते हो, उसकी जगह पे क्या लगा देते हो, ओ आई सी और साथ में एसिड लिख देते हो। ये आपके पास नॉमेनक्लेचर जब कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ोगे तो वहाँ से ये चीज़ आपको मिलेगी। सो इसका मतलब है अल्कोनिक एसिड जो है दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन टू अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन टू अल्कोहल कैन बी अचीव्ड बाय, अगर आपने इसकी रिडक्शन करानी है ना तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हायर मॉलिक्यूलर मैसेज ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स अमीनो एसिड आर कॉल्ड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड की जब बात करते हो तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल फॉर्मिंग 25-35% ऑफ द बॉडी प्रोटीन इज विच टाइप ऑफ प्रोटीन। इसलिए आपके पास नन ऑफ दीज आएगा, कॉलेजन जो है, ठीक है, ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है, पेप्टाइड हैविंग अप टू 10,000 अमीनो एसिड इज कॉल्ड। अगर 10,000 अमीनो एसिड है सो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज प्रोटीन्स। पेप्टाइड कंटेनिंग मोर देन 10 अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग मोर देन 100 अमीनो एसिड्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन
10,000 are called proteins. Last आपके पास है the temperature at which enzyme activity is maximum is called optimum temperature. ये तो आप सबको आता होगा, बहुत easy MCQ है, ठीक है, enzyme के topic में से है. So dear viewer, this was all about the sample paper 3 that was uploaded on PMC website. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए. Thanks for watching. अगर वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप करेक्शन के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए.